दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दबंग 3 के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के 5 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान सर की फिल्म दबंग 3 बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त कमाई कर रही है और जगह जगह हो रही प्रोटेस्ट के चलते इस फिल्म के कलेक्शन को थोड़ा फर्क पड़ा है। दोस्तों, इस दबंग 3 से पहले उनकी इसी साल भारत फिल्म भी आई थी जिसने 200 करोड़ क्लब में अपनी जगह बनाई थी और जल्द ही दबंग 3 भी 200 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि सलमान खान सर की हर फिल्म आराम से 100 करोड़ क्लब में जगह बना लेती है, बस देखना ये रहता है कि उनकी ये कलेक्शन कहाँ तक जाके रुकती है। वहीं दोस्तों, स्टारकास्ट की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सलमान खान, सुदीप, सोनाक्षी सिन्हा, सईमा जयकर, अरवाज खान, माही गिल, टीनू आनंद और अमोले गुप्ता नजर आए हैं और इस फिल्म को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया है और इसकी कहानी खुद सलमान खान ने लिखी है। दोस्तों, बाकी स्टारकास्ट तो बस नाम की ही है, लोग फिल्म को बस सलमान खान और सुदीप के कारण ही देखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर स्क्रीन काउंट की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में 4800 स्क्रीन और ओवरसीज में 1300 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, यानी इस फिल्म को दुनिया भर में कुल 6100 स्क्रीन के साथ 20 दिसंबर को रिलीज किया गया था। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन की कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 24 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था, तो दूसरे दिन में 24 करोड़ 75 लाख का, तीसरे दिन में 31 करोड़ 90 लाख का और चौथे दिन में 11 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन किया है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म के पांचवें दिन की कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने एडवांस बुकिंग से ही पांचवें दिन में 3 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म की मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 9% से 13% तक की नजर आई है, पर फिल्म रात को अच्छी रफ्तार पकड़ने वाली है क्योंकि ज्यादातर रात के शोज की टिकट बुक हुई है। तो दोस्तों, एडवांस बुकिंग रिपोर्ट और ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से जो इस फिल्म के पांचवें दिन का एस्टिमेट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ रहा है वो है 10 करोड़ का, यानी ये फिल्म अपने पांचवें दिन में 10 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, वहीं जो लोग इस फिल्म को फ्लॉप बोल रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस फिल्म का टोटल बजट 90 करोड़ है और इस फिल्म ने अपने 5 दिनों में टोटल 102 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन कर लिया और अपनी बजट भी रिकवर कर लिया। अब ये फिल्म किसी भी हाल में फ्लॉप नहीं हो सकती। वहीं दोस्तों, इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अपने 5 दिनों में टोटल 160 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों ऐसे ही बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।